Dear student, today we are going to do section B, that is theoretical questions of chapter 6. Chapter 6 is cyber safety. आज हम इसका सेक्शन बी करने जा रहे हैं स्टूडेंट. अगर आप लोगों को लग रहा है कि दीज आर द थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड वी शुड नॉट डू इट, डियर स्टूडेंट, जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन जो आएंगे ना, आप एमसीक्यू क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि उसमें दो या तीन जो ऑप्शंस होंगी वो सिमिलर हो सकती हैं, है ना. उसमें हल्का सा स्लाइट डिफरेंस हो सकता है और उस डिफरेंस को यू कैन आइडेंटिफाई दिस स्लाइट डिफरेंस If you have cleared all the concepts of the chapter, आपको अगर आपने चैप्टर के सारे कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं तभी यू कैन सॉल्व ऑल द MCQs ऑफ क्वेश्चन पेपर. तो आप क्वेश्चन पेपर में अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए तो आपको क्या करना है, यू हैव टू थोरोली रीड द चैप्टर. आपको थोरोली रीड करना पड़ेगा. ये जो क्वेश्चन है सेक्शन बी के, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके जो MCQ हैं एग्जाम में वो जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से एक या दो ऑप्शंस, इन क्वेश्चन को अगर आप स्टडी करेंगे तो यू कैन इजीली सॉल्व द MCQs विद एक्यूरेसी. ठीक है, अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1. शुड यू यूज अ निकनेम व्हेन यू लॉग ऑन टू द कंप्यूटर, लॉग ऑन टू द इंटरनेट. जब आप इंटरनेट पर है ना किसी वेबसाइट पे लॉग इन कर रहे हैं तो आपको निकनेम यूज करना चाहिए. यस, निकनेम क्या होता है, जैसे हम लोग सपोज कीजिए कि अगर किसी का नाम अनुराधा है ना, और निकनेम उसने अनु यूज कर रही है तो उसको निकनेम यूज करना चाहिए लॉगिन में अनुराधा की बजाय. यस, उसे करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि निकनेम से हमारी जो कोई हमको आइडेंटिफाई जल्दी से नहीं कर पाएगा, क्योंकि अनु कर रहा है, अनु से अनुपमा भी हो सकता है ना, और अनुपमा से क्या हो सकता है, अनुष्का भी हो सकता है. ठीक है, और क्या हो सकता है, अनुपमा भी हो सकता है ना. तो अनु से बहुत सारे नाम हो सकते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपना निक नेम यूज करना चाहिए जब हम किसी वेबसाइट में लॉग इन कर रहे हैं. यस, इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू यूज अ निक नेम व्हेन वी लॉग ऑन टू द इंटरनेट. दिस विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर आइडेंटिटी थीव्स टू फाइंड यू. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हेन यू क्रिएट पासवर्ड यू शुड मेक देम इजी टू गेस, ट्रू और फॉल्स. जब आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं तो आपको पासवर्ड इजी रखना चाहिए. इसे कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पासवर्ड भी अपना नाम रख देंगे, अपना सरनेम रख देंगे, तो हमें कभी भी जो पासवर्ड है वो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए और हमें पासवर्ड को टाइम टू टाइम टाइमली चेंज करते रहना चाहिए, है ना. 2 या 3 डेज में वी शुड चेंज आवर पासवर्ड. ओके, वी शुड चेंज आवर पासवर्ड फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल. जितना जल्दी जल्दी हो सके पासवर्ड को चेंज करना चाहिए. पासवर्ड में हमें क्या होने चाहिए, स्पेशल करेक्टर यूज करने चाहिए, नंबर्स यूज करने चाहिए और अल्फाबेट और कैपिटल स्मॉल का कॉम्बिनेशन हमें यूज करना चाहिए. अब देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या था कि जब आप जब पासवर्ड को क्रिएट कर रहे हैं तो यू शुड मेक देम इजी टू गेस, आपको इजी पासवर्ड रखना चाहिए. नो, वी शुड क्रिएट पासवर्ड और यूज पास फ्रेजेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये हमने किया था, पास फ्रेजेस का हमने चैप्टर रीडिंग की थी तो हमने समझा था इसको अच्छे से, है ना. डेट आर इजी टू रिमेम्बर बट हार्ड टू गेस. अगर कई बच्चे क्या कहते हैं कि मैम अगर हम हार्ड पासवर्ड रखेंगे तो हम खुद ही भूल जाएंगे, तो हमने चैप्टर में करा था कि पासवर्ड को कैसे याद रखा जाता है. ठीक है, आप चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, वरना प्रीवियस वीडियो आपको यू शुड वॉच द प्रीवियस वीडियो इफ यू हैव नॉट क्लियर्ड हाउ टू रिमेम्बर पासवर्ड. अगर आपको नहीं पता है कि पासवर्ड कैसे याद रखें तो प्रीवियस वीडियो है इस चैप्टर की, उसको एक बार वापस देखिए. उसमें क्या है कि आप अगर पास फ्रेजेस यूज करेंगे तो आपको आपका पासवर्ड इजीली याद हो जाएगा और आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर सकेंगे जिससे आपका पासवर्ड हैक भी नहीं हो पाएगा. और योर पासवर्ड शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर केसेस, लोअर केस लेटर्स और नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स. ऑल्सो वी शुड नॉट यूज द सेम पासवर्ड फॉर डिफरेंट अकाउंट. कई लोग क्या करते हैं, अपनी सारी वेबसाइट्स का, जीमेल का और अपने ये सोशल मीडिया पे वेबसाइट्स हैं या फिर जैसे अपने बैंक के अकाउंट है, सबका पासवर्ड एक रख लेंगे, है ना, ताकि याद ही नहीं रखना पड़े, है ना.
ठीक है। और आजकल वैसे भी गूगल है तो आप लोग वैसे स्पेलिंग वगैरह तो वैसे याद नहीं करते हैं, मोबाइल में ऑटो करेक्शन होता है तो बस। लेकिन पासवर्ड याद करने में इसीलिए जोर आता है क्योंकि हमें क्या याद करने की आदत छूट गई है ना, तो लेकिन हमें क्या करना है, पास फ्रेजेस से पासवर्ड को इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हेन यू शॉप यू ऑलवेज चेक द सिक्योरिटी ऑफ द वेबसाइट बिफोर यू एंटर पर्सनल एंड क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन कमेंट। ये क्या कह रहे हैं कि जब आप शॉपिंग करते हैं तो आपको वेबसाइट की सिक्योरिटी चेक करनी चाहिए। कब करनी चाहिए, बिफोर, मतलब जब आप, अगर सपोज कीजिए कोई एक वेबसाइट आपको 1 रुपये में पेन ड्राइव दे रही है या 1 रुपये में आपको एक सुंदर सी ड्रेस मिल रही है, तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे फटाफट अपने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन सारी फिल कर देंगे, है ना, हमें ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि अगर आप कुछ भी ऑनलाइन परचेसिंग कर रहे हैं तो आप अपने क्रेडिट कार्ड की और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं, उससे पहले आपको वेबसाइट की सिक्योरिटी को चेक करना चाहिए। यस, हमें उसकी सिक्योरिटी को चेक करना चाहिए। यस, वी शुड ऑलवेज चेक दैट द वेबसाइट वी आर शॉपिंग ऑन इज सिक्योर। यस, हमें चेक करना चाहिए कि जिस वेबसाइट पे हम शॉपिंग कर रहे हैं वो वेबसाइट सिक्योर है। वन वे इज टू चेक इफ द URL starts with HTTPS। अगर किसी वेबसाइट का जो URL है वो HTTPS से हो रहा है, ये स्टूडेंट ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कुछ एक वेबसाइट का जो URL होता है वो आपका HTTP से शुरू होता है, कुछ एक वेबसाइट का आप इंटरनेट पे देखना HTTPS से शुरू होता है, तो कौन सी वेबसाइट सिक्योर है जिसके पीछे S लिखा होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसकी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये सिक्योर वेबसाइट है, तो हमेशा उसी वेबसाइट से परचेजिंग करेंगे जिस वेबसाइट का जो लिंक है वो जो URL लिंक है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, HTTPS, S for secure, ठीक है। और आपको दूसरा चीज क्या है, आपको ये देखना है कि जो उसकी ब्राउजर विंडो में पैड लॉक विजिबल है कि नहीं है, छोटा सा ताला बना होता है ना, ठीक है, छोटा सा ताला बना होता है पैड लॉक साइन, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, देखिए आप जो आपकी ब्राउजर की जो विंडो होती है, अगर जिस वेबसाइट पे पैडलॉक बना होता है जैसे ताला है ना, ताला लॉक, जो वो वेबसाइट आपकी क्या है, सिक्योर है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इज इट ऑल राइट टू गिव योर नेम एड्रेस एंड इज इट ऑल राइट to give your name, address and birth date when you registering to use a website online। जब आप वेबसाइट पर, क्या यह ठीक है कि अपनी नेम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ की इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहिए जब आप किसी वेबसाइट पे ऑनलाइन होते हैं। नो, इट इज नेवर अ गुड आइडिया टू गिव आउट योर बर्थ डेट ऑन द इंटरनेट। मोस्ट वेबसाइट रिक्वेस्ट दिस एज एन ऑप्शन, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम आइडेंटिटी थीव्स एंड इग्नोर दिस रिक्वेस्ट। कुछ एक वेबसाइट जो HTTPS से नहीं होती, पैडलॉक का साइन नहीं होता है, सपोज कीजिए आप कुछ सर्च कर रहे हैं, वो बोलेंगे पहले आप इस पे अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कीजिए, विंडो ओपन हो जाती है, लेकिन हम उसमें फिल नहीं करेंगे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपको जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको हमेशा किसी भी वेबसाइट पे उसे फिल नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, डज मॉलवेयर कॉज डैमेज। मॉलवेयर क्या होता है, मॉलवेयर आपका एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यस, मॉलवेयर शॉर्ट फॉर, मॉलवेयर की फुल फॉर्म मैलिशियस सॉफ्टवेयर, इज डिजाइन टू कॉज डैमेज और डिसरप्शन टू अ कंप्यूटर सिस्टम और टू यूज अ कंप्यूटर टू सेंड स्पैम, डिस्ट्रीब्यूट मालवेयर और लॉन्च एन अटैक ऑन अदर कंप्यूटर्स। अभी क्या कह रहा है कि मालवेयर हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। यस, मालवेयर क्या होते हैं, नेगेटिव सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे
डेंजरस सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे कंप्यूटर में स्पैम भेज सकते हैं। स्पैम क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेल आने लगते हैं और उन जो मेल पे लिंक आता है कि आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको ये ऑफर दे रहे हैं, आपने 1 लाख रुपीज़ जीत लिए हैं, ये ऐसे गेम में ये ऐसे ऐसे ऑफर आते रहते हैं, तो सब वो क्या है, सब आपका फेक है, ठीक है। और वी कैन अवॉइड मालवेयर बाई कीपिंग अ क्लीन मशीन एंड हैविंग अ लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का हमेशा लेटेस्ट वर्जन यूज़ करना चाहिए और अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को भी टाइमली अपडेट करते रहना चाहिए। और किसी भी जैसे कोई ऐप भी यूज़ कर रहे हैं मोबाइल में, उसका हमेशा लेटेस्ट वर्जन यूज़ करना चाहिए और किसी भी चीज़ को डाउनलोड करने से पहले उसकी सिक्योरिटी को चेक करना चाहिए। Dear student, you have to write these question answers in your computer notebook.